वेलकम टू द कबड्डी कोच शो। जैसे हमेशा की तरह मैं आपसे वो छुपे रुस्तम, वो अंग संग हीरो को लेके आता हूँ जिनका कबड्डी को बहुत योगदान है। इंडिया के बाहर कबड्डी कैसे फैली, इंडिया के बाहर कबड्डी कैसे पहुंची, तो ये आप सुनते हो जिन्होंने ये सारा कर्म किया। तो आपके जो हीरो हैं, उन हीरो को तराशने वाले जो लोग हैं वो कौन है? तो मेरा मकसद यही है इस शो में, उन लोगों को लेके आना जिन लोगों ने अपनी इस नेशनल गेम को, इंडिया की गेम को बाहर फैलाने का बीड़ा उठाया हुआ। तो आज हमारे साथ हैं मॉरिशस से कैप्टन हरीश। तो अगर मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो यही कह सकता हूँ कि ये मॉरिशस कबड्डी की बैकबोन और वहाँ के फाउंडर हैं। तो आज चलिए इनसे पूछते हैं कि भी ये कबड्डी का शौक इनको कैसे हुआ, और मॉरिशस में जब लोग पैसे कमाने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, सेट होने के लिए जाते हैं, तो इनको कबड्डी का ये जुनून कैसे आया। हरीश जी, वेलकम टू द कबड्डी को शो एंड नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अशोक, हरीश बहुत बहुत धन्यवाद। और कबड्डी को हरीश जी ये बताइए पहले कि आप यहाँ मॉरिशस में कब आए और आपको ये कबड्डी का साथ में ये जुनून कैसे लगा? कबड्डी के लिए एक्चुअली मैं 2015 में मॉरिशस में आया था, मार्च के महीने में। तब यहाँ पे कोई कबड्डी एक्चुअली खेलता नहीं था। रीजन क्या है कि सभी ने बॉलीवुड फिल्में तो देखी है, बट उनको कबड्डी का दूसरा रूप ही पता था। जैसे फिल्मों में हीरो आकर अकेले ही सात लोगों को उठा के ले जाता है, तो वो उनके लिए क्लियर नहीं था उस समय से। उनको लगता था ये सिर्फ मार्क गेम है, पावर है तो खेल लेंगे, सिर्फ ऐसा समझते थे और वो कभी ट्राई नहीं किया इसको। फिर उनको थोड़ा सा समझाना पड़ा कि एक्चुअली कबड्डी जो फिल्मों में है वो थोड़ी अलग है और रियलिटी में अलग है। कई सारे स्कूलों में पहले डेमो शुरू किया गया, क्योंकि स्कूल के बच्चे जो होते हैं वही ग्राउंड हम स्टार्ट, वही ग्रास रूट से। जब स्कूल के बच्चे खेलना शुरू किए तो गांव गांव में गए, क्योंकि बॉलीवुड फिल्में देखे थे तो लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता था कबड्डी, कोई कोई ट्राई करने आ जाता था। धीरे 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 जाकर फिर लोगों को कबड्डी धीरे धीरे पता लगा एक्चुअल कबड्डी क्या है। फिर आपने जैसे वहां आप आए तो आपको अपने आप को भी सेट करना था, ठीक है, आपके रहने सहने का आपको काम भी करना था, तो उसमें से आपने कैसे जुटाया कि कैसे आपको ये साथ मिला कि कैसे आप कबड्डी के बारे में ये सोच सके कि मैं भी कबड्डी लोगों को सिखाऊं? क्योंकि कबड्डी वहाँ सिखाने के लिए वहाँ इंडिया की तरह नहीं, यहाँ मर्जी अपना कपड़े उतारो तो शुरू हो जाओ, यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है पहले से, फिर वहाँ अपना क्या बोलते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी का होता है, तो ये कैसे आपने सोचा कि मैं इसके साथ करूं? उसके लिए एक्चुअली मेरा मॉरिशस आने से पहले ही मेरी यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है मॉरिशस में, वहाँ पे पहले एक डॉक्टर रामलोचन हुआ करते थे जो डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स थे। तो उनका मेल के द्वारा पहले उनसे हमने थोड़ी सी जानकारी ली कि और भी क्या क्या चीजें कर सकते हैं, खेल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। शुरू में बहुत कुछ तो नहीं, चूंकि गेम्स के कई सारे आगे आपको बताऊंगा कि क्यों एक्चुअली गेम्स को, कबड्डी जैसे खेल को अभी तक कोई जानता नहीं है और उतना समझता नहीं है फॉरेन कंट्री। तो स्टार्टिंग में पहले हम थोड़े स्कूल में जाकर उनके जो डायरेक्टर्स होते हैं स्कूल के, उनको मनाना पड़ रहा, उसके लिए कई सारी बातें बनानी पड़ी कि आगे चलकर बच्चों को मौका मिलेगा, इंडिया जाने का भी मौका मिल सकता है, फॉरेन कंट्री में जाकर खेल सकते हैं बच्चे। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि चलो एक ट्राई करा लेते हैं। लालच तो देना ही पड़ता है, क्योंकि जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में लोग पैसे देके खेलते हैं, यहाँ पैसे लेके खेलते हैं। जब तक उनको कुछ दिया नहीं तब तक खेलेंगे नहीं, कुछ दिन खेलेंगे उनको लगा कुछ मिल नहीं रहा छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स इस मामले में बाकी खेल जैसे कि जो ऑलरेडी ओलंपिक या जीआईए सब में है, उसमें तो उनको पता है कि उनका एक फ्यूचर है, लेकिन जो खेल अभी तक जीएसएफ या ओलंपिक में नहीं है जैसे कि कबड्डी, क्योंकि पहले एशियन पॉपुलर गेम ही था, तो
कोई स्कोप ही नहीं दिखता था उनको और लगता नहीं था कि उनको क्या प्रॉफिट होगा इस। बाद में तो जो बच्चे आगे जाकर फॉरेन का सपना देखते थे वो भी छोड़ दिए, सोचते हैं कि कैसे कमाई हुई तभी खेलेंगे। बहुत मुश्किल रहता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में जैसे लोग अकेडमीज खोल लेते हैं, कई बच्चे पैसे दे के आते हैं, हॉस्टल तक लेके रहते हैं, वो बिल्कुल अलग सीन है, यहाँ बिल्कुल अलग सीन है। वैसे तो यहाँ पे फुटबॉल छोड़ के कुछ और में ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वॉलीबॉल के लिए भी बहुत लोग मिलते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल खेलों को लेकर लोगों को बहुत पहले तो मनाना पड़ता है, चूंकि एक आइलैंड है मॉरिशस, तो आइलैंड के लोग ज्यादातर आपने देखा होगा कि खेल कूद से दूर रहते हैं, उनको थोड़ा मजा करना, इवनिंग पार्टीज करना, मस्ती करना थोड़ा ज्यादा पसंद। हाँ मतलब वो आदत है लोगों की। तो खेल कूद की वजह से आप अभी एक्चुअली मॉरिशस का डायबिटीज में भी रैंकिंग वर्ल्ड में नंबर 2 है, बहुत ज्यादा होता है। तो वर्ल्ड में नंबर 2 सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट यहाँ रैंकिंग में है WHO के हिसाब से। उसका रीजन यही है खेल कूद यहाँ पे सिर्फ एक तो पेरेंट्स कहते हैं यहाँ पे कि अगर खेलोगे तो करियर नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नौकरी नहीं मिलती, नहीं मिलती। आप चाहे ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी लेके आ जाए यहाँ पे, तो आपको फिर से वही सारी चीजें क्वालिफाई करनी पड़ेंगी तब नौकरी मिलेगी। इसका मतलब आपको मेडल और ये सब मिल जाएगा। ऋषि इसका मतलब यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ लोगों को, यहाँ अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हो, गोल्ड मेडल ले लेते हो, तो आपको उसके आधार पे नौकरी नहीं मिलती। इंडिया में अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हो, सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपको नौकरी मिलती है। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली अभी लास्ट हफ्ते की ही बात है, जब से ये यहाँ पर लॉकडाउन COVID-19 का खत्म हुआ है, मिनिस्ट्री ने एक पब्लिक के लिए न्यूज़पेपर में निकाला है जनरल पब्लिक को अपने आइडिया और प्रपोजल देने की आखिर कैसे स्पोर्ट्स कल्चर को मॉरिशस में लाया जाए। यहाँ पे लोग खेल के कल्चर में है ही नहीं, ना तो कोई आप गेम कर रहे हैं तो कोई देखने भी नहीं आता है, कितना भी बड़ा इवेंट हो देखने भी 500 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं, जो कि बहुत कम दिखता है फुटबॉल जैसे बड़े बड़े इवेंट में। तो इस कल्चर को लाने के लिए उन्होंने आइडियाज मांगा है, फिर से उस आइडियाज के लिए मैंने भी एक रिपोर्ट बनाया है जिसमें लिखा है कि यहाँ पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को बिल्कुल भी खेलने नहीं देना चाहते क्योंकि उनको लगता नहीं है कि इसमें कोई फ्यूचर है, कोई करियर है, कोई जॉब है। जैसे कि इंडिया में या एशिया के कई कंट्रीज में जैसे श्रीलंका वगैरह में भी लोगों को, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में अक्सर जो लोग गोल्ड मेडल लेके आए उनको नौकरी मिल जाती है। एटलीस्ट स्पोर्ट्स कोटा तो होता है हर एक खेल के, यहाँ पे किसी खेल के लिए कोई कोटा नहीं होता और उनको नॉर्मल जैसे जॉब में रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही रिक्वायरमेंट से जाना पड़ता है, चाहे वो 10 बार गोल्ड मेडल लेके आए। जी इसका मतलब बाहर यहाँ फॉरेन में हम लोगों को डिसएडवांटेज है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में जो कोचिज हैं उनको वहाँ से सैलरी मिलती है और अपनी जॉब से ही वो टूर्नामेंट पे जाते हैं, तो जो इंडिया के प्लेयर गोल्ड मेडल लेके आते हैं नेशनल से और अपना एशियन गेम से, उनको नौकरी मिलती है, जैसे अभी सभी बड़ी बड़ी पोस्टों पे है। तो इसका मतलब जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें ये सब कुछ नहीं है, तो ये तो बहुत मुश्किल है। मॉरिशस में बेसिकली जैसे सरकारी नौकरी नहीं कहेंगे लेकिन फुटबॉल में कोचेज को हायर किया जाता है, जैसे वो लोग इंटरनेशनल कोच अभी इनके पास एक ब्राजील का आया हुआ, इससे पहले फ्रांस का कोच था यहाँ पे, तो वो कोचेज अच्छी सैलरी पे यहाँ का फेडरेशन ने खुद से रखा है, इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। और भी जैसे वॉलीबॉल जैसी गेम है जो बड़ी हो गई है, बड़ी फेडरेशन है, तो उसमें भी कोचेज को एक स्टाइपेंड फी मिलता है, बट ऐसा कोई कहा नहीं जा सकता कि उनको जॉब सरकारी नौकरी सरकार की तरफ से मिल जाए, नहीं ऐसा कोई अभी भी है। नहीं ऐसा अभी तक फुटबॉल और वॉलीबॉल अपने बल पे कर सकते हैं, बाकी खेल तो अपने बल पे भी नहीं कर सकते। तो आप तो चलो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एक, ये तो हुआ कि इसका मतलब कि इंडिया के बाहर जो भी जिसने भी कहीं भी कबड्डी का जो ये पेड़ लगाया है, बूटा लगाया है, कुछ भी कह लो, ये तो बहुत कठिनाई आई होगी। तो इसका मतलब ये है कि भी सबसे जो अहमियत रखते हैं कबड्डी में फिर तो वो हो गए जिन्होंने बाहर बूटा लगाया इसको, कि अपना काम भी साथ में करते रहे और साथ में कबड्डी का भी शौक रखा, अपनी पॉकेट से पैसे लगाए और टूर्नामेंट किए। तो
अभी ये एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसी मसले में, अगर ऐसा था ऐसा है फिर आपके मन में कैसे आ गया कि आप मॉरिशस में बीच इंटरनेशनल बीच कबड्डी करवाएं? जी देखा जाए तो जैसे मॉरिशस में कुछ इवेंट कराना बहुत जरूरी था जी, और लोगों को ये भी बताना जरूरी था कि कई सारी चीजें हैं जो इस खेल को खेलती है ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़े खेल को। तो उस समय पर 2017 में हमने एक इंटरनेशनल इवेंट सोचा और उसमें हमने देखा कि मॉरिशस अपने बीचेस के लिए पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। ठीक, बिल्कुल ठीक। जब जो कंट्री बीच के लिए ही पॉपुलर है वहाँ पे बीच इवेंट क्या किया जाएगा जी, कबड्डी से थे तो कबड्डी का बीच कबड्डी का कुछ फॉर्मेट देखा हमने जी, कुछ मदद ली जी, जैसे ई प्रसाद राव हैं उनसे थोड़ी मदद ली, इंग्लैंड से हैं उनसे मदद ली ताकि हम समझे कि आखिर इंटरनेशनल इवेंट होता कैसे। ठीक, और इससे पहले किसी भी इंटरनेशनल इवेंट को किया नहीं था खुद से, तो ये बहुत जरूरी था कि बड़ों का गाइडेंस लेके और फिर और एक चैलेंज भी पर कुछ तो चैलेंज भी था कि इंटरनेशनल तौर पे करना है तो एक चैलेंज भी था। जी बिल्कुल, कई सारी चीजें होती हैं जो खेल पॉपुलर ही नहीं है उसको स्पॉन्सर लेना ही बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक, यस। तो स्पॉन्सरशिप लेकर ही बिना स्पॉन्सरशिप के खेल का आयोजन भी नहीं किया जा सकता, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था उस टाइम पर। कितनी टीमें आई नहीं है कितनी टीमें आई जी उस समय? हमारे पास इंडिया, श्रीलंका, ओमान और इंग्लैंड और केन्या से टीमें आई थी और एक मॉरिशस था, तो टोटल 6 कंट्री थी। वेरी नाइस, मेरा ख्याल हम भी गए थे, आप देख सकते हो पीछे ट्रॉफी पड़ी है जो आपने दी थी। जी मुझे दिख रही है वो ब्लू वाली। दिख रही है, हमारी कलेक्शन में लगी हुई है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। अभी एक और आपसे बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी लॉकडाउन के दौरान सब कुछ, सब बिजनेस को फर्क पड़ा है, सब सेक्टर को फर्क पड़ा है, तो वहाँ मॉरिशस में ये स्पोर्ट्स को भी इतना ही ज्यादा फर्क पड़ा है जैसे बाहर की कंट्रियों में हुआ है? जी देखा जाए तो स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है मेरे ख्याल से, क्योंकि स्पोर्ट्स में है तो हम समझ सकते हैं ऐसा क्या हुआ है। बाकी सारी चीजें तो यहाँ लॉकडाउन खत्म होते ही ओपन हो चुकी है जी, और तकरीबन 1-1.5 महीने से कोई कोरोना केस नहीं है, और अफ्रीका का पहली कंट्री थी मॉरिशस जो वायरस की हो गई थी जी, तो सभी चीजें खोल दी गई और कोई नया केस भी नहीं आया, 1.5 महीना हो गया। लेकिन खेल आज तक अभी भी स्टार्ट नहीं किया गया, कोई भी टीम गेम को स्टार्ट नहीं किया गया। हालांकि कुछ खेलों को जैसे कि इंडिविजुअल है तो वो इन द रूम और या फिर एक जगह पर प्राइवेट एरियाज में दे कैन कंटिन्यू फॉर ओलंपिक प्रिपेयरमेंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी टीम खेल को कहा गया कि आप टीम वाला खेल अभी तक शुरू करें जबकि 1.5 महीना से ऊपर हो गया लोकल। इसका मतलब बहुत बड़ा चैलेंज, इसका मतलब वही पोजीशन पे आ गए जैसे आपने पहले आके शुरू करा था, तो अभी फिर आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर से जीरो से, क्योंकि कई बच्चे आए थे अभी स्कूलों के, आईबी स्कूलों के जी, जी। तो आईबी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अच्छे परिवार से, ऊंचे परिवार से होते हैं, तो हमने एक प्रोग्राम ही स्टार्ट किया था सभी आईबी स्कूल और उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही लॉकडाउन शुरू हो गया। अच्छा, एक अचानक से बहुत बड़ा गैप आ गया है। तो स्कूल जब खुलेंगी, अभी स्कूल भी खुली नहीं है, खुली नहीं है, अगस्त के लास्ट तक खुलेंगी स्कूल, तो फिर बच्चों को वापस खेल में लाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन आपके यहाँ ज्यादा हो गया क्योंकि आपने तो अभी शुरुआत ही की थी, ठीक है, अभी फिर बेसिक पे चले गए। चलो, ये जैसे सब दुनिया के साथ है ऐसे ही हमारे साथ है, इसके में कुछ नहीं कर सकते, जो ऊपर वाले की मर्जी है। थोड़ा मुझे ये बताइए, मैंने ये एक सवाल और किसी से नहीं पूछा, जैसे आपने स्टार्ट किया था, हम सब ने स्टार्ट किया था, तो क्या है कि सब सोचते हैं कि जो कबड्डी है वो इंडिया की गेम है, वो हम भी मानते हैं इंडिया की गेम है, लेकिन इंडिया की गेम है क्या, हर इंस्ट्रक्शन क्या सब कुछ वहीं से चलेगा कि जहाँ बाहर जो कबड्डी का स्ट्रक्चर जैसे बाहर की गेमों का होता है उसी दायरे से होएगा, जहाँ हर इंस्ट्रक्शन वहां से आएगी? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या क्या कहना चाहते हैं? देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
कि कोई भी खेल जहां से शुरू हुआ जी और रियलिटी में जहां से शुरू हुआ वहां से बिल्कुल भी होल्ड नहीं किया जाता उसे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इंग्लैंड ने क्रिकेट शुरू किया, फुटबॉल भी शुरू किया जी, बट आज के डेट में फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में उसका नंबर आगे नहीं है। कई सारी कंट्रीज है जिसने उसको टेक ओवर कर लिया जी, यहाँ तक कि आईसीसी की बॉडी भी वहां पे हेडक्वार्टर नहीं बना जी। तो कई चीजें हैं जो लोगों को समझना पड़ेगा कि जी कि कोई भी चीज पुश्तैनी नहीं बन सकती। अगर आपको उस खेल को अगर बढ़ाना है तो आपको वो खुला छोड़ना और बाकी दुनिया में चाहे जहां भी आप गेम को बढ़ाना चाहे वहां के लोगों को उतनी ही आपको सहायता करनी पड़ेगी जितना आप सोच रहे हैं कि इंडिया में। अब प्रो कबड्डी शुरू हो गई इंडिया में, बहुत अच्छी बात है, कई सारे खिलाड़ियों को इससे फायदा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रो कबड्डी के बाद भी वो खेल इंडिया तक ही सीमित रहे और आज तक इंडिया और एशिया में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रो कबड्डी क्या है। जहाँ के प्लेयर खेलने आते हैं, जैसे मान लीजिए साउथ कोरिया है, श्रीलंका है, ईरान है, वहां भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ आज तक कबड्डी अभी भी इस हालात में। तो कहीं ना कहीं आपका ये सोचना सही है कि अगर इंडिया सोचता रहा कि गेम सिर्फ हमारे तक ही रहे तो वो कभी भी ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा, उसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोशन करना पड़ेगा। सो इसका मतलब ये है कि जैसे प्रो कबड्डी चली, कोई भी लीग चली, जैसे IPPKL भी चली, तो उसमें ये है कि जब तक ये लोग बाहर वाले जो बाहर फॉरेन कंट्रीज हैं जिसे बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री, वहां से लोगों को नहीं डालेंगे, जैसे IPL में होता है, इंडिया की टीम को ज्यादा चांसेस इसलिए मिले क्योंकि बाहर के जितने भी जो धनंतर थे खिलाड़ी, वो एक क्लब में जब खेलते थे तो एक दूसरे को टीचिंग करते थे, एक दूसरे को अपने गुर बताते थे। तो अगर इंडिया में इस टाइम जो इंडिया के जो महारथी हैं कबड्डी में, ठीक है, क्योंकि इंडिया की गेम है, तो अगर बाहर के जो प्लेयर हैं जिनको आप अनस्किल कह सकते हो, अगर उनको वो उसमें डालेंगे, हर टीम में कम से कम 4-5 डालेंगे, तो वो सीखेंगे, वो सीख के आगे जाके लोगों को शुरू कराएंगे, तो इससे तो मेरा ख्याल विजन बढ़ती है कि आगे बढ़ने के लिए। जहां तक भारत में सभी भारतीयों का सवाल है, उनको भी बहुत पसंद है फॉरेनर्स को देखने का, ये एक लॉजिक है, प्रैक्टिकल चीज है जो सभी जानते हैं। अब कोई इसे झूठ कहना भी चाहे तो वो सिर्फ झूठा ही बनेगा। तो इसके हिसाब से जब तक आप फॉरेन के प्लेयर्स को इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे जी, जब तक उनको ज्यादा से ज्यादा सीखने नहीं देंगे जी, और वो फिर अपने कंट्री में जाकर उसी तरह से पॉपुलर नहीं करेंगे, तो आपको सबसे पहले उनको मौका देना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा जी। और ये सिखाना ऐसा नहीं है कि आपने बुलाकर 10-15 दिन की ट्रेनिंग दे दी और फिर आके चले जाओ जाके कराओ, ऐसा नहीं होता है जी। उसके लिए आपको जैसे लीग चल रही है, जो भी इंडिया में लीग चल रही है, प्रो कबड्डी हो या IIPPL हो, उनको विदेशी खिलाड़ियों को मौका इसलिए भी देना चाहिए ताकि वो वहाँ के प्लेयर से बहुत कुछ सीखते हैं। और लीग और ट्रेनिंग दोनों अलग चीजें हैं, वहाँ पे दोनों एक साथ होता है जब लीग होती है, तो उनको एक तो कमर्शियल माइंड भी आएगा प्लेयर को कि कमर्शियली उनको टीवी पर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है कबड्डी के लिए। हर खेल का अपना तरीका है, क्रिकेट में बैट उठाते हैं, कबड्डी में उंगली उठाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जब वो सीखेंगे, वो फिर अपने देश पर जाकर जो भी जहाँ से भी प्लेयर आया हो उनको सिखाएंगे, और जब तक जब वो उनको सिखाते हैं तो है जो भी उनसे उनको अच्छा लगेगा खेल के बारे में कि ऐसा भी कुछ इसमें मॉडर्न सिटी आया है इसके, तब और लोग आएंगे। तो गेम को अगर फॉरेन कंट्री तक बढ़ाना है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका देना जरूरी। सो आपकी क्या सजेशन है इसको, जैसे अभी हम लोग हैं फॉरेन में, तो फॉरेन में क्या है, यहाँ प्लेयर नहीं है, यहाँ टीमें नहीं है, तो टीमें नहीं है तो यहाँ कंपटीशन नहीं है। सो कंपटीशन नहीं है, रेगुलर कोई भी गेम नहीं है, कबड्डी नहीं है रेगुलर, जब कोई कंपटीशन आया तो टीम बन गई तो प्लेयर हो गए। तो आपकी क्या सजेशन है, ये बाहर कैसे इंडिया की तरह प्रफुल्लित हो सकती है, ज़्यादा लोगों को उत्साह हो सकता है ये कबड्डी खेलने के लिए, इसके लिए क्या आप सलाह देना चाहते हो, क्या होना चाहिए? सर मैं 2-4 चीजें इसमें बताना चाहूंगा जो मुझे शायद लगता है कि आगे चलकर कबड्डी को बढ़ावा दे सकता है फॉरेन कंट्रीज में।
पहला जैसे कि भारत सरकार, आप जानते होंगे कि कई सारे कंट्रीज में उन्होंने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड संस्थान खोले हुए हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संस्थान एंड ऑल, IGCIC बोल दिया, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, या जवाहरलाल नेहरू कल्चर फॉर इंडिया एंड ऑल, ऐसे कई सारे कंट्रीज में उन्होंने खोले। इसमें भारत सरकार सिर्फ ये करती है कि वो लोगों को भेजती है इंडिया से जो गजल गा रहे हो या कव्वाली करने वाले हो, बिल्कुल ठीक, या कथक या कन्नड़ जैसी चीजें, अपने खर्चे पे भेजती है, डांस कर रहे हैं, रामायण की हो रही है, जी जी बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारा पैसा भारत सरकार खर्चा करता है हर महीने हर कंट्री। तो हमें लगता है कि सरकार को भी ये बहुत जरा भारत सरकार को समझना जरूरी है कि जो अपना खेल अगर वो बढ़ाना चाहते हैं, जिसको वो अपना कहते हैं, बिल्कुल कबड्डी जो कि भारत से ही निकला हुआ खेल है, उसको बढ़ाने के लिए उनको खेल को भी इसी हिसाब से प्रमोट करना पड़ेगा, जैसे योगा को उन्होंने योगा बनाया प्रमोट कर। बिल्कुल, आप देखिए आज के डेट में हर एक कंट्री में वर्ल्ड योगा डे किस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये चीजें उनको, योगा तो फिर भी एक एक पॉइंट था, योगा कई जगह और भी शुरू हो चुके थे, चूंकि इंडिया से पॉपुलर होना शुरू हुआ तो योगा को उन्होंने बढ़ाया। कबड्डी तो कोई और क्लेम भी नहीं करेगा अगर इंडिया ने अपनी तरफ से बढ़ाने की। बिल्कुल ठीक, बहुत जरूरी है कि वो लोग इसी तरह से वर्ल्ड कबड्डी डे वो लोग भी कराए, सिर्फ फेडरेशन ही ना करे, उसमें गवर्नमेंट साथ दे, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, जब तक इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, G2G बहुत करना आसान भी है, ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत बड़ा खर्चीला चीज है, उससे ज्यादा महंगा तो रोज गजल और कथक डांस कराने में उनका लग जाता है, लगता है टीचर्स भेज भेज के हर एक चीज के, जैसे मॉरिशस में ही कथक के अलग है, कन्नड़ के अलग है, कई सारे गाना गाने के लिए एक अलग टीचर को भेजा गया है। बिल्कुल, तो इस तरह से कई सारे टीचर भारतीय सैलरी पर सरकार के द्वारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में 5-5 साल के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अब खेलों में क्या है, वो एक भी भेज दे तो वो 2-4 खेल खिला सकते हैं, जैसे खो खो भी करा सकते हैं, कबड्डी भी करा सकते हैं। सेम है हमारे इंडिया में, अभी जो बहुत नामी कोच हैं, कोचिज हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, वो खो खो के प्लेयर थे, तो जो अभी कबड्डी के कोचिज हैं, टॉप के कोचिज हैं, और वो खो खो के प्लेयर थे, कबड्डी के प्लेयर नहीं थे, लेकिन जो साई है, साई में कबड्डी और खो खो के एक ही कोर्स हुआ वो करता था। जी, ये बहुत एक्चुअली कई तरीके हैं जिसमें भारत सरकार इसमें मदद कर सकती है। दूसरा है, जो भी भारतीय बाहर रहते हैं, जिसको NRIs हम बोलते हैं, तो उनमें नॉर्मली क्या होता है कि वो किसी एक दूसरे भारतीय को अगर वो खेल को लेकर जाए कि कबड्डी को आप बढ़ावा दो, तो उसमें 2-4 चीजें हो जाती हैं, या तो कई लोगों के साथ कुछ गलत हो गया है, हो चुका है, जिसकी वजह से वो कबड्डी में अब पैसा नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, या फिर ये भी एक रीजन है, और दूसरा रीजन ये भी है कि कोई चाहता नहीं है कि यार हमें क्या करना है कबड्डी को सपोर्ट करके, जब भारत सरकार खुद ही नहीं कर, हमें क्या मिलेगा। बिल्कुल ठीक, हमें क्या मिलना है इसे, बिल्कुल, जब सरकार नहीं कर रही तो हम पर्सनली जाकर क्यों करें, क्यों करें। तो ये चीजें हमें रोक देती है। फिर आप जैसे कि यहाँ की मिनिस्ट्री से हमने शुरू में बात की थी, तो वो भी खुद कई बार पूछी कि भारत सरकार मॉरिशस में हर चीज में खर्चा करती, यहाँ का मेट्रो तक भारत सरकार ने बनाया, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट बनाया, यहाँ का ENT हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बनाया, और मेट्रो बनाया जो कि भारत में कई सिटीज में नहीं आती, नहीं है, लेकिन मॉरिशस में, वो मॉरिशस में आके बना दिया। वाह, तो इतना कुछ कर रही है भारत सरकार, और इतना कुछ देने के बाद भी कबड्डी को आज तक क्यों नहीं कुछ भी किया। ये तो आप कहते हैं कि इंडिया का खेल है, इंडिया का गर्व है, कई सालों से इंडिया चैंपियन रहा है इस खेल में, भारत के सभी नागरिकों को इसका गर्व है, गर्व तो फिर इस खेल को उन्होंने आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्यों नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक दिख जाता है उनको कि जब भारत सरकार खुद ही नहीं चाहती है तो फिर हम क्यों, हम इसमें क्यों ज्यादा। चलो, मुझे आस है जी इस वीडियो के, इस जो इंटरव्यू है उसके जरिए शायद ये मैसेज कहीं ना कहीं पहुंचेगा, और भारत सरकार ये सोचने में मजबूर होगी कि उनको भी कुछ करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेंगे, ये गेम सारी दुनिया में ऑफिशियली प्रोफेशनली नहीं हो सकता। जाते जाते लास्ट में मैं एक पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी तो सबको पता है
पे दो हैं, IKF है, वर्ल्ड बॉडी है, वर्ल्ड कबड्डी है, ठीक है, ये उसमें तो कोई राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब तक कहते हैं कि आपकी अपोजिशन नहीं होती तब तक आपकी पार्टी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में सुधार नहीं आता। सो अपोजिशन जो है आपका शीशा होता है, अपोजिशन आपको शीशा दिखाता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आप में क्या कमियां है, अपोजिशन इसलिए होता है तो वो उसका जवाब दे, ठीक है, और अपनी कमियों को दुरुस्त करें। अभी आप ये बताइए कि आप क्या देख रहे हो प्रोफेशनलिज्म और फ्यूचर में, आपको कुछ फर्क लगता है कि जो IKF 2004 से थी अभी वर्ल्ड कबड्डी जो अभी 2 साल की बेबी है, तो क्या इसमें आप सोचते हो कि कोई है जो कबड्डी को आगे लेके जाने के लिए कोई रास्ता है, पड़ाव बनाया है इन दोनों में एक किसी का? जी देखा जाए तो IKF सिर्फ और सिर्फ प्रो कबड्डी तक ही अब सीमित रह गई जी, उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ प्रो कबड्डी पे है, बाकी उसको कबड्डी को प्रमोशन करने से कोई मतलब नहीं जी। उसको सिर्फ उससे मान लीजिए कि एक जनरेशन है, उनको जनरेट हो रहा है अमाउंट, वहां पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो अब उनका दिमाग सिर्फ ये है कि जितना अच्छा प्रो कबड्डी चलेगा उतना उसको उसके अमाउंट मिलेगा, उसे प्रॉफिट होगा। तो ये चैनल तो अपने हिसाब से सोच रही है और फेडरेशन अपने हिसाब से सोच रही है, बिल्कुल ठीक, दोनों को इससे फायदे हैं, दोनों काम कर रहे हैं जी। अब रहा सवाल इंटरनेशनल प्रमोशन करने का, तो IKF मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद जब कबड्डी को स्टार्ट किया था तो IKF ने ही उसको आके यहाँ पे पहली बार इनोग्रेशन में मदद किया कि कैसे कर सकते हैं, तो मदद किया, बट ऐसा कोई बेस नहीं बनाया जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कोई फेडरेशन साथ में खड़ी है और आपको पता है कि आपको अगर खेल को बढ़ाना है तो कोई भी सजेशन के लिए आप कभी भी उनसे पूछकर और उनसे मदद ले सकते हैं। अब ये नहीं, मदद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फाइनेंशियल हेल्प के लिए सब कोई जाएगा, इससे कई सारे मोरल सपोर्ट की भी जरूरत होती है, बिल्कुल। अब रही सवाल वर्ल्ड कबड्डी की, तो वर्ल्ड कबड्डी अभी चूंकि नया है, जैसा आपने कहा, कई चीजें हैं जो साथ में आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जब तक हम एक नहीं होंगे शायद हमें मदद ना मिले, तो एक होंगे तो हमें मदद की उतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोशिश करता हूँ किसी चीज़ को उठाने की और साथ में दो लोग और आ गए उस चीज़ को उठाने में, तो मदद मिलती है और जल्दी उठता है। तो ये चीज़ जो IKF कहीं ना कहीं खो गया था वो मुझे वर्ल्ड कबड्डी में दिख रहा है कि लोग एटलीस्ट एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होना चाहते। तो जब तक के 2 साल है, आज से 4-5 साल के बाद जब जिस तरह से वर्ल्ड कबड्डी एक प्रोग्राम बना रहा है कि कॉन्टिनेंट वाइज कैसे कैसे इवेंट होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है, जिसके लिए वही आगे चलकर रास्ता, चाहे वो GISF हो या ओलंपिक हो, वो किसी भी चीज के लिए वो आगे का रास्ता खोल रहा है। तो ये जो स्टेप्स हैं वो चलाने के लिए वो कहीं ना कहीं मदद कर रहा है, लोगों को सजेशन दे रहा है जो भी कबड्डी के लोग हैं कि आप क्या करो कॉन्टिनेंट। तो इस हिसाब से कंपैरिजन थोड़ी बिल्कुल अलग है, IKF सिर्फ इंडिया तक सीमित है, वर्ल्ड कबड्डी वर्ल्ड तक है, तो बहुत डिफरेंस है दोनों। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं भी ये इसमें ऐड करना चाहता हूँ, इससे कोई दो राय नहीं है, और हम भी IKF के फाउंडर मेंबर हैं, अगर गलोट साहब जी के साथ जब 2004 से बनी तब से है, तो मेरा ख्याल यही है कि जब आप एक छत के नीचे रहते हो, एक फैमिली में रहते हो, तो अगर उसमें सबकी जरूरतें पूरी होती रहे, सब एक दूसरे का ख्याल रखे, तो किसी को अलग होने की सोच आती नहीं है। लेकिन जब उसमें आपकी इज्जत या आपको वो कमियां नजर आती है कि आप इग्नोर हो रहे हो, तो मेरा ख्याल तब भी कोई सोचता है कि यार मैं यहाँ से मूव हो जाऊँ। मेरा मानना तो ये है, क्यों, हर आदमी को कम्फर्ट चाहिए, हर आदमी को कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट मींस कि उसकी हर जरूरत पूरी है। अगर मैं अपने घर में आता हूँ, मेरा अपना रूम है, मेरा टीवी लगा हुआ है, मेरे को खाने को है, कोई मेरे को नोक पोक नहीं करता, अगर मेरे को जरूरत है तो कोई मेरी मदद करता है, मैं उनकी मदद करता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल मुझे वो घर छोड़ के जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जी बिल्कुल, दूसरी पार्टी या दूसरी ये एसोसिएशन तब भी तैयार होती है कि जब उसमें कमियां आ जाती हैं, आप इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है, आप इग्नोर हो जाते हो, आप मजबूर हो जाते हो
क्योंकि आपके अंदर वो चीज बसी, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हम कबड्डी छोड़ जाते, लेकिन मेरे ध्यान में ये था कि मैं नहीं जीत सकता था, शायद आप भी नहीं जीत सकते थे छोड़ के, लेकिन हमें कबड्डी के साथ रहना था, हमारा पैशन है, इसीलिए उसको कुछ नाम देना था। और ये बात मैं आपके साथ भी एग्री करता हूँ, मैंने भी बहुत कोशिश करी है कि इकट्ठे होके अगर इस टाइम ये दोनों पार्टियां या जो भी एसोसिएशन है दोनों का एक ही एम है, तो फिर क्यों नहीं हम इकट्ठे होके कर सकते। अगर इसमें कोई लुपा छुपी नहीं है तो हम क्यों नहीं एक एक वोट के कर सकते। मेरे अंदर ईगो नहीं है, मैं चाहता हूँ कबड्डी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपको बढ़ावा दे रहा हूँ, आप मेरे को दे रहे हो, तो फिर इसमें ईगो कहाँ रह गई, ये तभी चलेगी ना। तो आपकी सजेशन क्या है इसमें, लास्ट में आप बोले क्या सजेस्ट करना चाहते हो आप इसे? मुझे लगता है कि एक बार एक ऐसा मौका कहीं ना कहीं से किसी के द्वारा भी क्रिएट होना चाहिए जहाँ पे IGF और वर्ल्ड कबड्डी दोनों साथ बैठे जी, और जो सच्चे खेल प्रेमी है, जो सच्चे कबड्डी के प्रेमी है, वो इस बात को समझे कि हम अगर एक होंगे तो हम और मजबूत होंगे जल्दी, और अगर एक होंगे तो इवेंट बिल्कुल, और वो जो सपने हम देख रहे हैं आज से 10 साल बाद वो ऑटोमेटिकली 5 साल बाद होने को हो जाए। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए किसी ना किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा, इसमें कोई ईगो नहीं है, खेल से अगर प्रेम है तो फिर ईगो अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है। बिल्कुल ठीक। फिर खेल को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक साथ किसी ना किसी को कदम बढ़ाना पड़ेगा ताकि गेम को भी आगे बढ़ाए, और जो इज्जत कहीं ना कहीं जा रही है कहीं ना कहीं किसी किसी के दिमाग में खेल को लेकर, वो भी हट जाएगा, वो भी बिल्कुल साफ। बिल्कुल ठीक हरीश जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने अपने बिजी टाइम से आज मुझे टाइम दिया। तो हो सकता है जो आपने बातें कही है, मेरा मेन मकसद इसका यही है कि उन लोगों को वो जो रियलिटी है वो पता चले जो कबड्डी में है। कबड्डी में हम किसी के पर्सनल क्या बोलते हैं, किसी के पर्सनल कोई दुश्मन नहीं है, सबका प्यार है, लेकिन सबकी अपनी अपनी डिफरेंट सोच है, और इकट्ठे होकर जो हम अचीव कर सकते हैं वो अकेले होकर अचीव नहीं कर सकते, तो हमें सबका साथ देना चाहिए, ठीक है नहीं? तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आपका टाइम निकालने का। नमस्कार। नमस्कार जी, ये सन अपने हरीश कुमार जी जो मॉरीशस दे कबड्डी फाउंडर ते वर्ल्ड कबड्डी दे अपना वाइस प्रेसिडेंट है, ते अफ्रीका दे प्रेसिडेंट है। जिस तरह वर्ल्ड कबड्डी ने 5 कॉन्टीनेंट बनाए हैं, ते उन्हां 5 कॉन्टीनेंट नू जिस तरह तुसीं देख रहे हो कि ओलंपिक दे विच रिंग है, 5 रिंग है गया, उस नाल 5 कॉन्टीनेंट कबड्डी जो उहदे प्रेसिडेंट बनाए है, जैसे अपना अपना ओशियाना हो गए, वो अपना एक कंटीन्यूंट हो गया, फिर उत्तों बाद एशिया आ गई, वो अपना कंटीन्यूंट हो गया, उत्तों दे वक्रे प्रेसिडेंट ने, फिर यूरोप आ गया, उत्तों दे वक्रे प्रेसिडेंट ने, फिर आ गया अफ्रीका, सो ऑल अफ्रीका दे जो प्रेसिडेंट ने वक्रे ने, जिन्हें हरीश आ गया, उत्तों बाद फिर अपना पैसिफिक आ गए, सो उहदे प्रेजीडेंट वक्रे ने। सो वर्ल्ड कबड्डी ने इन्हों नूं 5 हिस्सों च वंडिया, सो 5 दे जो प्रेजीडेंट ने वो नाल ही वर्ल्ड कबड्डी दे वाइस प्रेजीडेंट भी ने। तो होप कि तुसीं ये जो अज हरीश ने अपने दिल दीआं गल्लां कहीआं ने तुसीं लाइक कीतीआं होणगीआं, हाँ सारे नूं इकट्ठे हो के इस कबड्डी दे विच हिस्सा पाना चाहीदा। तो यह है कि जो साडा सफ़र है वह थोड़ा छोटा हो जाएगा, जे वक्रे रहांगे तो सफ़र लंबा होंदा जाएगा। सो अगर कबड्डी ही साडा मेन मकसद है, कबड्डी नूं प्यार करदे हां, तो क्यों नहीं इकट्ठे हो के इस विच रल के एकजुट हो के इहनूं अगे लैके जाइए। ये सीटा, ये आना जाना, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये तो चलता रहना और ये कभी नहीं मिटिया। ये संसार की ईगो है, जिदे को 1000 है वह लख लेना चाहता, जिदे को लख है करोड़ बनाना चाहता। हुण तुसीं ये कोविड की महामारी च देख ही लिया की हाल होया, जिन्हों को प्लेन सी वह प्लेन भी लैके बहर नहीं जा सकते, जिन्हों को गड्डिया सीगियां वह गड्डी भी लैके बहर नहीं जा सके। सब कुछ रब ने बराबर कर दिता, सब नू अंदर बंद कर दिता, तो जिंदगी का की भरोसा, किहड़े मोड़ ते कित्थे की हो जाना। सो ये ना होए कि साड़ियाँ आसां अधूरियां रह जाण, साडे सपने अधूरे रह जाण,
ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ 'ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਉੱਦਮ ਮਾਰੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੋ ਦਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਬੱਡੀ ਕੋ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ।